अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है लूप डायुरेटिक्स। ये डायुरेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। और ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो डायुरेटिक्स का और लूप डायुरेटिक है। ठीक है, अब इसमें अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें चार एजेंट्स हैं हमारे पास, ब्यूमेटानाइड, टोसीमाइड, फिरोसीमाइड, एथाक्रिनिक एजेंट। फिर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हमने ये जो ड्रग्स हैं ना, ये लूप डायुरेटिक्स ये एक्ट करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले पे। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को डायुरेटिक के जो पहले लेक्चर है उसमें आप दोबारा से देख सकते हैं कि उसका मैंने मैकेनिज्म समझाया था कि नॉर्मली किडनी कैसे फंक्शन करती है और कैसे वहाँ पे कौन कौन सा आयन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। अब डायुरेटिक्स जो है उस आयन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ये सबसे मैक्सिमम एफिकेसी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्ट करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे और नॉर्मली वहाँ पे 25-30% जो है ना सोडियम क्लोराइड जो है ना उसके लिए एब्जॉर्प्शन होती है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो जब ये ब्लॉक कर देंगे साइन ट्रांसपोर्टर को तो मैक्सिमम एफिकेसी में ये ऑफकोर्स, क्योंकि जो डाउन टू द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इतनी एफिकेसी नहीं है, इतनी ज़्यादा परसेंटेज जो है ना सोडियम क्लोराइड या सोडियम या क्लोराइड या पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती कि वो इसके लॉस को पूरा कर सकें। ठीक है, मतलब इसका जो लॉस है ना उसको ओवरकम कर सकें, ऐसा नहीं होता, इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके लिए सबसे पहले जो है ना हम ऐसा करते हैं कि हम जो है देख लेते हैं कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ये हुई थायसाइड डायुरेटिक्स वाली बात है कि ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन पेशेंट्स में कॉज नहीं करते जिनको सल्फोनामाइड एंटीमाइक्रोबियल से एलर्जी होती है, सच एज सल्फा मेथॉक्सिजोल, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इनमें और सल्फोनामाइड डेरिवेटिव में। जो फिरोसीमाइड है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला जो ड्रग है ना इनकी क्लासेस में वो फिरोसीमाइड है। ठीक है, और जो ब्यूमेटानाइड और टोसीमाइड का भी यूज इंक्रीज ही हो रहा है बिकॉज ऑफ बेटर बायोअवेलेबिलिटी एंड पोटेंसी। और एथाक्रिनिक एसिड के एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा है तो डॉक्टर इसको कम यूज़ करेंगे। फिर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए हम एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बताती हूँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है उस पे उसका एक्शन पहले डिस्कस करते हैं। ये देखें बुक पे देखें। अच्छा जी, अब यहाँ ये नॉर्मली ये जो है ना थिक असेंडिंग, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का सेल है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है हमारे पास सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड। ठीक है, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड ये एक न्यूट्रल ट्रांसपोर्टर है। ये दो कैटाइन्स और दो एनाइन्स को जो इसने रिअब्जॉर्ब करना है ल्यूमेन से, यूरिन से। ठीक है, अब जब ये इधर आ जाएगा अपने सेल में तो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपेज है जो सोडियम को रिअब्जॉर्ब करेगा और एक्सक्रीट करेगा पोटाशियम को उसके रिस्पॉन्स में। आप पहले उसका फंक्शन समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज लूप डायुरेटिक जो है इस ट्रांसपोर्टर को ना ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा तो ना सोडियम रिअब्सॉर्ब होगा ना पोटाशियम ना टू क्लोराइड। अब ये जो है ना ये आइंस जो है ना ये ल्यूमिन में ही रह जाएंगे, राइट, अभी ल्यूमिन में रह जाएंगे। अब ना ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज है ना इंट्रासेलुलर जितना भी यहाँ पे इंट्रासेलुलर सोडियम प्रेजेंट है उसको रिअब्जॉर्ब करे करने, मतलब वो कोशिश करेगा कि जितना प्रेजेंट है उसको रिअब्जॉर्ब करे। उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम आइन जो है उसको सिक्रीट करेगा, इसलिए यहाँ पे पोटाशियम लॉस बहुत ज़्यादा होगा, राइट, पोटाशियम लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ड्रग्स हैं ना इनका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट हाइपोकैलेमिया है। ठीक है, ओके, फिर हमने इसका एक और फंक्शन भी पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि इंट्रासेलुलर जब पोटाशियम यहाँ से रिअब्जॉर्ब होता है तो इंट्रासेलुलर पोटाशियम की कंसेंट्रेशन होती है ज़्यादा। इंट्रासेलुलर पोटाशियम की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये तो पहली बात हो गई ना। अभी दूसरा पॉइंट, इंट्रासेलुलर पोटाशियम की नॉर्मली ऐसे होते कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है और बैक डिफ्यूजन होती है उसकी, बैक डिफ्यूजन होती है और पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। ये नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है। जब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है ना तो उसको ओवरकम करने के लिए रीअब्जॉर्प्शन होती है इन आइंस की, यहाँ से यूरिन से मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। ठीक है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है ना वो नॉर्मली होती है। ठीक है, लेकिन जब लूप डायुरेटिक आके सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड चैनल को इनहिबिट कर देगा,
इसको ट्रांसपोर्टर को सॉरी इनहिबिट कर देगा। तो इंटरसेलुलर पोटेशियम की सिक्री पोटेशियम आंसर एब्जॉर्ब नहीं होगा। इंटरसेलुलर थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के सेल में पोटेशियम कम होगा, ना उसकी बैक डिफ्यूजन होनी है, ना ही पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होना है, ना उसको ओवरकम करने के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम एनायन एब्जॉर्ब होना है। तो मैग्नीशियम, तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ना, उसका भी लॉस होना है यूरिन में, ठीक है। यहाँ पे जो है सोलूट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, ऑफ कोर्स जहाँ पे सोलूट की कंसेंट्रेशन होती है वहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन होती है, और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगी, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होनी और इन आइंस का जो है लॉस होना है, ठीक है। ये मैं समझा रही हूँ, अब आपको ये चीज मैंने बहुत बहुत डिटेल से समझा दी है। जैसे मैंने पढ़ा कि ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है ब्लॉक हो जाता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड, ग्रेटेस्ट डायुरेटिक इफेक्ट ऑफ ऑल डायुरेटिक, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे 25-30% जो है ना आइंस जो है नॉर्मली रीअब्सॉर्ब होते हैं, सोडियम और क्लोराइड की अब्सॉर्प्शन होती है, वो अब नहीं होगी तो ऑफकोर्स उनका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा। एंड दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो उनका भी लॉस होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जब ये आयन इनहिबिट होगा तो पोटेशियम इंट्रासेलुलर प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसकी बैक डिफ्यूजन ही नहीं होनी, पॉजिटिव पोटेंशियल ही जनरेट नहीं होना ल्यूमेन में, और उसकी उसके मतलब उसके बदले में रीअब्सॉर्प्शन ही नहीं होनी कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और डायुरेसिस जो है उसका प्रोसीजर बढ़ जाना। फिर हम इसके बारे में ये चीज याद रखनी है कि एनसेड्स हमने नहीं लेने होते लूप डायुरेटिक, हाँ पेशेंट को दे रहे हैं तो हमने साथ में एनसेड एडमिनिस्टर नहीं करना, क्योंकि एनसेड जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिंस को कम करते हैं और किडनी का ब्लड फ्लो कम होता है। किडनी का तो लूप डायुरेटिक जो है ना उसकी इफेक्टिवनेस ऐसे कम होती है कि लूप डायुरेटिक अपने अपनी जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वहां पे एक्सक्रीट आउट नहीं होते। अब किडनी पे एक्शन करने के लिए उसका वहां पे प्रेजेंट होना, वहां पे एक्सक्रीट आउट होना प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑब्वियसली जरूरी है, इट मस्ट बी एक्सक्रीटेड एट प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, राइट? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक सेक्रेटरी सिस्टम और ऑर्गेनिक बेस सेक्रेटरी सिस्टम है, यहाँ पे ड्रग्स एक्सक्रीट आउट हो रही होती है, तो इट मस्ट बी एक्सक्रीटेड। लेकिन लूप डायुरेटिक वहां पे एक्सक्रीट नहीं होते अगर हम साथ एनसेड्स दे रहे हैं, बिकॉज एनसेड जो है वो ब्लड फ्लो किडनी की काम करेंगे, ब्लड फ्लो काम करेंगे तो लूप डायुरेटिक जो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच पाएंगे, जो इफेक्टिव डोज होगी और ऑब्वियसली उनकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। फिर हमने इसके एक्शन डिस्कस करना, एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका डायरेसिस है। मैंने आपको पहले बताया कि जो लूप डायुरेटिक है ना वो उन पेशेंट्स के अंदर भी जिनके अंदर पूरा रीनल फंक्शन है ना उसके अंदर भी प्रोड्यूस डायुरेटिक इफेक्ट, राइट? या वो वाले पेशेंट जो सही से रिस्पांस बाकी डायुरेटिक को लाइक थायराइड डायुरेटिक को नहीं देंगे या बाकी डायुरेटिक की क्लासेस को नहीं दे रहे होंगे ना, वो लूप डायुरेटिक उनके लिए इफेक्टिव है, ठीक है। फिर हमने डायुरेसिस के लिए ना एक ये टेबल ड्रॉ की है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया है डायुरेटिक कंसेंट्रेशन इन लूप ऑफ हेनले, ठीक है, एंड डायुरेटिक रिस्पॉन्स। अब इस को ना आपने समझना है, इसको क्या कैसे समझना है कि ये एस शेप डोज रिस्पॉन्स कब शो कर रहा है। इसके तीन पार्ट, एक थ्रेशहोल्ड इफेक्ट है, फिर जब ड्रग में कंसेंट्रेशन में चेंज करेंगे, और सीलिंग इफेक्ट है। अब हमने ना कल एक चीज पढ़ी थी थायराइड में लो सीलिंग इफेक्ट डायुरेटिक्स होते हैं, कैसे कि अगर हम उनके डोज को बढ़ाएं भी ना तो वो कोई उनका डायुरेटिक इफेक्ट ज्यादा नहीं हो जाता, ठीक है, वो एक मैक्सिमम डोज पे मैक्सिमम डायुरेटिक एक अपनी इफेक्टिव डोज पे वो डायुरेटिक इफेक्ट शो करते हैं, उसको बढ़ाने से उनका इफेक्ट जो बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सीलिंग इफेक्ट। अच्छा, इसको समझें कि अगर हमने पहले तो देखा है कि इफेक्टिव डोज कितनी है, ठीक है, अगर हम इफेक्टिव डोज को कभी कभी जो है ना, सबसे पहले तो हम जब डोज सिलेक्ट करेंगे ना तो वो रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड को क्रॉस करनी चाहिए, डायुरेटिक थ्रेशोल्ड इफेक्ट को क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड मतलब वो जो है ना एक मैक्सिमम इफेक्ट डायुरेटिक इफेक्ट शो करे। अब जो है ना कभी हम ऐसे करते हैं कि ना हम डोज को ना कम कर देते हैं, अब लेट्स सपोज 10 mg की जो डोज है पेशेंट के अंदर फिरोसिमाइड हम दे रहे हैं, ये इफेक्टिव है, अब ये डायुरेटिक इफेक्ट शो करेगी। अब ना यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन आ रहा है, तो हम इस तरह करते हैं कि हम एज अ फिजिशियन हम सोचते हैं कि हमने इसको कम कर देते हैं, चलो हम इसको 8 mg दे देते हैं, 8 mg कर देते हैं। तो अगर हम इसको मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो इफेक्ट शो हो रही है जिस डोज उससे कम करेंगे तो
ये नहीं होगा कि अफेक्ट कम शो होगा, ऐसा होगा कि अफेक्ट शो ही नहीं होगा, ठीक है। और फिर हम एक हमारे पास अगर कंसेंट्रेशन जो है ना इसके, इससे हम रिस्पांस थ्रेशोल्ड से कम रखेंगे, ठीक है, और इंक्रीज भी करेंगे तो इट विल नॉट कॉज मोर डायलिसिस बिकॉज ऑफ सीलिंग अफेक्ट, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप एक अफेक्टिव डोज डिटरमिन करो कि पेशेंट में कितनी डोज अफेक्टिव है, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस डोज की चेंज कर देते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए डेली डायलिसिस को, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा फैक्ट है कि यूरिन में कैल्शियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑब्वियसली ये वही वाला पॉइंट है, दिस पोटेशियम जो है वो इंटरसेलुलर प्रेजेंट नहीं होगा और उसकी बैक डिफ्रिया नहीं होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल ल्यूमेन में जनरेट नहीं होगा, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी कैल्शियम मैग्नीशियम की, तो यूरिन में लॉस होगा कैल्शियम का, ठीक है। और इसका, इससे आप कल वाली बात कंपेयर करो, थायराजाइड डायोरेटिक्स में कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है और लूप डायोरेटिक में एक्सक्रीशन होती है। नंबर थर्ड, इट विल कॉज वैसो डायलेशन, ऑफ कोर्स इट विल कॉज वैसो डायलेशन, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, वैसो डायलेशन होगी, राइट। फिर हम इसके थेरेप्यूटिक यूजेस पढ़ते हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस में ना इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एडिमा, राइट, इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशली पल्मोनरी एडिमा, स्पेशली इन द केसेस ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, या फिर पेरिफेरी एडिमा में, दैट इज कॉज ड्यू टू हार्ट फेलियर, मोस्टली ड्यू टू हार्ट फेलियर या फिर रीनल फेलियर या रीनल डिसफंक्शन, राइट। एडिमा जो है ज्यादातर हार्ट फेलियर के रिजल्ट में होगा या फिर रीनल डिसफंक्शन में, तो तब आप जो है ना इसको एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम देते हैं, ठीक है। या इमरजेंसी कंडीशन होती है जब एक्यूट एडिमा की, तो तब भी हम आईवी देते होते हैं, ठीक है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में। हाइपरकैल्सीमिया को भी ये ट्रीट करने में अफेक्टिव है, बाय, क्योंकि अभी हमने ये पीछे पड़ा हुआ, ऑब्वियसली ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन जो है ना, ब्लड रीअब्सॉर्प्शन कम होगी ना, कैल्शियम जो है यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट आउट होगा, तो अगर जिन पेशेंट्स में के ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो उसको ट्रीट करने में यूज होता है। हाइपरकैलेमिया, इसका सबसे आप इसको एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे कि हाइपोकैलेमिया कॉज करता है, क्योंकि यहाँ ये इस ट्रांसपोर्टर को निपट करने से कैल्शियम का लॉस होगा, ठीक है, और पोटाशियम की जो है ना, और फिर जो है ना सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो है जो बेसिलेटरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम स्क्रीट करता है, कि जितना भी सोडियम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो पोटाशियम की जो एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा है, सो इट विल मतलब इट इज़ अ गुड ड्रग कि अगर आप इसको हाइपरकैलेमिया की ट्रीटमेंट में दो तो, राइट। फिर हमारे पास आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स आप देख लें ओरली आईवी दोनों अवेलेबल होती है, फिरोसिमाइड की जो बायोअवेलेबिलिटी अनप्रेडिक्टेबल है वो 10-90% वेरी करती है, ओरली अगर आप ड्रग दो तो वेरी करती है। ब्यूमिटेनाइड एट्रोसिमाइड जो है वो 80-100% इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, तो ओरली जो है ना इन दोनों ड्रग्स को जो है हम जो है इन दोनों ड्रग्स को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6-8 hours है इनकी। फिर इनके हम एडवर्स इफेक्ट देते हैं, सबसे पहले एक्यूट हाइपोवोलेमिया, जाहिर ही बात है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाना है और फिर प्रीलोड कम हो जाना है, फिलिंग प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कम हो जाएगा, हार्ट पे जो लोड है वो कम पड़ेगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑफकोर्स इट विल कैन लीड टू शॉक एंड एरिथमियास एंड हाइपरटेंशन, हाइपोमैग्नीजीमिया। अभी मैं तीसरी चौथी दफ़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है ना पोटाशियम का, उसकी वजह से बैक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है बैक डिफ्यूजन की वजह से, वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होनी था, मैग्नीजीमिया होगा कॉज, मैग्नीशियम की लॉस होगा और साथ में कैल्शियम का भी लॉस होगा, हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, ऑटोटॉक्सिसिटी, ये चीज़ याद रखनी है। अब सबसे ज़्यादा अभी हमने एंटीबायोटिक्स में भी डिस्कस किया था कि अमाइन ग्लाइकोसाइड जो है उसका सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इफेक्ट जो नोट किया गया ऑटोटॉक्सिसिटी है, तो अगर हम इसको इन्फ्यूजन में देते हैं ना, हाई डोज लगाते हैं लूप डायोरेटिक के पेशेंट में, तो इट कैन लीड टू ऑटोटॉक्सिसिटी, स्पेशली अगर हम साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं तभी। और जो एथाक्रेनिक एसिड है ना, इसका जो एजेंट है एथाक्रेनिक, इसमें ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। फिर इट लीड्स टू हाइपर
हाइपोकेलीमिया, पोटाशियम का लॉस बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ या तो पोटाशियम स्पेरिंग डायोरेटिक दे देते हैं, ठीक है, या फिर अगर जो है ना लूप डायोरेटिक साथ थायराइड अगर आप दे भी रहे हैं, कोई ऐसी कंडीशन आ भी गई है, तो साथ में पोटाशियम का लेवल मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों जो है हाइपोकेलीमिया कॉज करती हैं। और हाइपोयूरेसीमिया जो है ऑफकोर्स इट कम्पीट्स विद यूरिक एसिड, जब ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर एक्सक्रीट आउट होती है ड्रग थ्रू ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम्स, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक बेसिक सिक्रेटरी सिस्टम्स, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम्स जो है ये जो यूरिक एसिड उसमें कॉम्पिटिशन होता है, तो लूप डायोराइटिंग में पीसीटी में तो ऑफकोर्स सिक्रीट होना ही होता है, किडनी में सिक्रीट होना ही होता है अपना फैक्ट शो करने के लिए, तो यूरिक एसिड के साथ का कॉम्पिटिशन होता है, सो यूरिक एसिड जो है ना वो किडनी में एक्सक्रीट आउट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, तो सीरम लेवल यूरिक एसिड का बढ़ जाता है, इट कैन लीड टू गाउट। एंड ये इसका जो डोज है ना, इसमें यूरिक एसिड का जो लेवल है ना गाउट के पेशेंट में मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सो एंड हुआ लूप डायोराइटिक, नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम स्पेरिंग डायोराइटिक्स, और इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और बात मैं इन पर दोबारा बताना चाहूँगी कि लूप डायोराइटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायोराइटिक्स का, सो आप इसको बहुत अच्छे से करें, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।